नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कल पश्चिम बंगाल में हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा महासचिव बंगाल चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर हमले के विरोध में रतलाम में भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारों के साथ दो बत्ती पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता हिम्मत कोठारी, शहर भाजपा विधायक चैतन्य कश्यप सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। शहर विधायक ने इस हमले की कड़ी निंदा की। ज्ञात हो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा व कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के 24 परगना जा रहे थे, जहां उनकी गाड़ियों पर कई लोग पथराव व लठ बरसा रहे थे। हालांकि जेपी नड्डा की गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के कारण कोई क्षति नहीं पहुंची, वहीं कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी को भारी क्षति पहुंची व विजयवर्गीय को चोट भी आई थी, जिसका सोशल मीडिया पर भी वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जहां पुलिस मूक दर्शक बनकर पत्थरबाजों एवं लठ मारने वालों को देखती रही। रतलाम से चैतन्य शर्मा की रिपोर्ट। कल वो पहले भाजपा कार्यकर्ता पे हमला हुआ है, जिला प्रदेश सॉरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमला हुआ है, क्या पूरा देखते हैं इस घटना। यह ममता बनर्जी व उनकी पार्टी टीएमसी का कायराना कृत्य है। एक विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष को क्षेत्र के अंदर जनसंपर्क व रैली करने से रोकना व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा सुनियोजित तरीके से हमला करना, यह बताता है कि ममता बनर्जी के पांव बंगाल से उखड़ रहे हैं और कमल अब वहाँ खिलने वाला है। ममता का सारा कीचड़ वहाँ पर अब पूरे इतना दलदल के रूप में बदल चुका है कि वो निश्चित उन्हें लग रहा है कि अब यह कमल खिलेगा और इस तरीके के कायराना हमले कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश का कार्यकर्ता आज एक साथ खड़ा हुआ है कि हम इस तरीके की लोकतंत्र की हत्या के प्रयासों के खिलाफ, क्योंकि इसी तरीके के प्रयास पूर्व में कांग्रेस के द्वारा भी किए गए जब लोकतंत्र की हत्या हुई थी, हम इस तरीके की अलगाववादी शक्तियों को, इस तरीके की लोकतंत्र का हरण या गला घोटने वाली शक्तियों के खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकतंत्र रक्षक के रूप में खड़ा हुआ है। और आज उसीलिए पूरे देश में ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया कि उन्हें समझ में आ जाए कि पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। लोकतंत्र के हत्यारों के लिए इस देश के अंदर कोई जगह नहीं है। चूंकि जो कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, क्या राष्ट्रपति शासन आप लागू कर दिया जाना चाहिए? यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का है। आज हमने रतलाम में पुतला दहन करा है और हमारी भावना है कि इस तरीके के लोग जितने जल्द अपने पदों से हटे उतनी ही लोकतंत्र की रक्षा होगी। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।